छिंदवाड़ा में बच्चों की सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर रही संस्था मेजर अमित ठेंगी एजुकेशन सोसाइटी 7 नवंबर से 21 नवंबर 2021 तक बाल अधिकार संरक्षण पखवाड़ा आयोजित करने जा रही है। इस दौरान बच्चों के साथ कार्यशालाएं, शिक्षकों और समाज सेवियों की संबंधित विषयों पर ट्रेनिंग, नुक्कड़ नाटक बाल अधिकार या बाल शोषण पर आधारित कविताओं और कहानियों का पाठ आदि गतिविधियाँ की जाएंगी। सभी गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य बच्चों के लिए बेहतर समाज का निर्माण करना है। ऐसा समाज जो बाल यौन शोषण, बाल श्रम, कुपोषण, भ्रूण हत्या जैसी नकारात्मकताओं से मुक्त हो। रंग और खुशबू से ज्यादा सकारात्मक कोई चीज नहीं है। इसलिए आज नवंबर को इस पखवाड़े की शुरुआत करते हुए हम सभी मिलकर बाल अधिकार संरक्षण का संदेश देते हुए एक रंगोली बनाएंगे। नवंबर महीने में हम दो बहुत खास दिन मनाते हैं, एक तो 14 नवंबर जो चिल्ड्रंस डे है और एक 20 नवंबर जो अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस है। इन दोनों दिनों को ध्यान में रखते हुए हमने 7 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक बाल अधिकार संरक्षण पखवाड़ा मनाने का निश्चय किया है। इस दौरान आज हमने इसकी शुरुआत रंगों से की है क्योंकि रंग बहुत सकारात्मक है, तो रंगों से शुरुआत की है। ये रंगोली शहर के लोगों को ये संदेश दे रही है कि हमें अब बच्चों के साथ जो भी शोषण हो रहा है, जो भी उनके साथ गलत चीज़ें हो रही हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठानी है, अपने आसपास देखना है कि ऐसी कोई चीज़ तो नहीं हो रही, अगर हो रही है तो उसे रिपोर्ट करना है। साथ में संस्था आने वाले दिनों में शासकीय स्कूलों में, सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों के साथ कार्यशालाएं लेगी जिसमें बातें अपनी सुरक्षा की नामक पुस्तक का वितरण किया जाएगा और बच्चों को बताया जाएगा कि आप किस तरह शोषण से बच सकते हैं और अगर आपके साथ कुछ ऐसा गलत होता है तो उसे मन में रखकर और बहुत बड़े होने तक उसका इंतजार ना करें, इमीडिएट उसको रिपोर्ट करें। छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शुक्रवार की रिपोर्ट।